Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Waqas Ahmed and I am the student of Mr. Ayaz Aslam, working on my IELTS preparation with him from last couple of months. So how to prepare your exam, especially your IELTS exam? So aapne dekha hoga ki sir bhi aksar ye baat karte hain ki IELTS ki jo preparation hai wo ek technique hai, tune yourself. तो इसमें मैंने इस सिलसिले में काफ़ी वीडियोस और चैनल सब्सक्राइब किए, बुक्स देखी, तो आई हैव सीन दैट देयर आर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ वीडियोस एंड मटेरियल इज़ अवेलेबल ऑन डिफरेंट साइट्स. तो अब हमने देखना ये है कि कौन सा ऐसा मटेरियल हमारे लिए फ्रूटफुल होगा जिसको हम यूज़ करें और एक कम से कम टाइम के अंदर हम आइल्स की प्रिपरेशन करके अपने डिज़ायर गोल जो है वो अचीव कर लें. तो इस केस में हम ये वीडियो बना रहे हैं और फ्लोट कर रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि आप इसको देखें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अमल करें. तो मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में एक कंपाउंड टर्म है जो कि मिल के बनती है कुछ अदर एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टी से, जिसमें आप कह लें कि आपका डिसिप्लिन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक आप किस तरह से चीज़ों को डिसिप्लिनरी कर रहे हैं, हाउ मच यू आर सीरियस टू डू और टू अपटेन योर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि टाइम टेबल, आपने अपना टाइम टेबल किस तरह से फोकस किया हुआ और आप किस तरह से टाइमली चीज़ों को अचीव कर पा रहे हैं. इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हैं मैनरेबल, डूइंग थिंग्स इन सम मैनर्स. आपको कुछ मैनर्स जो हैं वो फॉलो करने हैं. अक्सर सर भी अपने लेक्चर्स में बता रहे होते हैं कि ये वेज हैं, ये तरीके हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं, ये वो चीज़ें हैं मैनरली टू अचीव योर गोल्स. तो ये एक कंपाउंड टर्म है प्रोडक्टिविटी, जो इन सारी चीज़ों को हासिल करने के बाद मिलेगी. अब कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए, व्हाट डज इट मीन? प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने का मतलब ये होता है यू आर इंक्रीजिंग योर लाइफ ऑफ डूइंग थिंग्स इन विच यू आर इन्वॉल्व. मिसाल के तौर पे आप अगर आइल्स के चार पेपर एक दिन में सॉल्व करते हैं, क्या आप वो चार पेपर ही एक दिन में सॉल्व करते रहेंगे? नो, दिस इज रॉन्ग. ग्रेजुअली आपने अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है. आपने उसी सेम टाइम के अंदर, मिसाल के तौर पे आप चार घंटे में चार पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप उसको कम टाइम में सॉल्व करें, आप उसको दो घंटे में लाएं. जो अगले दो घंटे हैं वो आप किसी और जगह के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं. आपका लाइफ स्पैन बढ़ रहा है कि आपको एक टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है जो आपको हेल्प करेगा और मॉड्यूल्स को तैयार करने में. तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी. तो मेरे ख्याल से मैंने प्रोडक्टिविटी के ऊपर काफ़ी चीज़ें देखी हैं. जो पांच अपीलिंग फैक्टर मुझे लगते हैं उनमें से कुछ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा. जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है वो है एलिमिनेट द डिस्ट्रप्शन. एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि जब इंसान अपने फोकस आवर्स में काम कर रहा होता है और उसको इंटरवीन किया जाए बाय सम नेचुरल और अननेचुरल वे से, तो इट टेक्स 20 मिनट्स टू रिज्यूम बैक इन द सेम प्रोडक्टिव फ्लो. सो काइंडली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर आइल्स प्रिपरेशन, फोकस करें कि आपने इंटरप्शन को अवॉइड करना है. अपने आप को लॉक कर लें एक रूम के अंदर. अगर आप समझते हैं कि आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं ऑफिस में, जहाँ पे भी अगर आपको ये लगता है कि आप इंटरप्ट होंगे, तो कोई ऐसी जगह फाइंड कर लें जहाँ पे आपकी इंटरप्शन मिनिमल हो. बिकॉज एक दफ़ा आप इंटरप्ट होंगे तो 20 मिनट लगेंगे आपको दोबारा उस फ्लो में आने में, और वो सारा टाइम जो है वो वेस्ट होगा. इसके अलावा जो अदर कुछ चीज़ें हैं वो ये हैं, अरेंज योर स्टफ, अरेंज योर बिलोंगिंग्स. अगर मैं सिर्फ आइल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो अपनी चीज़ों को अरेंज करें, अपने नोट्स को अरेंज करें, अपनी वोकेबलरी को अरेंज करें, अपने लेक्चर्स को अरेंज करें, ताकि जब आप एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हों और आपको किसी पर्टिकुलर वोकेबलरी की ज़रूरत हो, तो बजाय इसके कि आप उस वोकेबलरी को ढूंढने में घंटे और मिनट्स लगा दें, वो फ़ौरन से आपके पास अवेलेबल हो और आप इफेक्टिवली चीज़ों को ग्रैब करके अपने काम को कंटिन्यू करें. इसके अलावा है प्लान योर सेल्फ. आपने सुना है कि अक्सर सर ये बात कर रहे होते हैं कि पेपर स्टार्ट करने से पहले आपने अपने राइटिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्लान करना है. 3 से 4 मिनट आपने प्लानिंग में लगाना. मैं एक रिपोर्ट, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट कंडक्ट किया जिसके सर्वे में रिजल्ट में उन्होंने ये लिखा है कि
एक मिनट की प्लानिंग आपको 10 मिनट वेस्ट होने से बचा देती है. मतलब यू कैन सेव 1000% ऑफ योर प्रोडक्टिव टाइम इफ यू प्लान अकॉर्डिंगली. तो अपने डे को प्लान करें अकॉर्डिंगली, अपने टाइम को चंक्स में डिवाइड करें, मे बी 2 आवर्स इन मॉर्निंग, 2 आवर्स इन द आफ्टरनून और मे बी 2 आवर्स इन द इवनिंग. आपको जरूरत नहीं है कि आप 12-12, 14-14 घंटे की पढ़ाई करें जो कि अनप्रोडक्टिव हो. प्रोडक्टिव स्लॉट्स डिसाइड करें, उस प्रोडक्टिव स्लॉट को मेक श्योर करें कि दे आर रियली प्रोडक्टिव, उसके ऊपर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम करें, फास्टर वे में काम करें और इंटेलिजेंट वे में काम करें. डोंट नीड के आप 1000 बुक्स को कंसल्ट करें. यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी बुक्स हैं जो एफिशिएंट वे में काम करेंगी. इसके अलावा है मल्टीटास्किंग. इट्स ह्यूमन नेचर, इंसान को सिंगल टास्क के ऊपर पैदा किया गया, तो अपनी नेचर को ओवरकम करने की कोशिश ना करें. जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको क्यू में डालें और वन बाय वन करें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक टाइम में करें. मिसाल के तौर पे अगर आपने प्लान किया है कि इस 2 आवर्स में मैंने सिर्फ रीडिंग टास्क के ऊपर काम करना है, तो फिर रीडिंग के ऊपर काम करें. ये ना सोचें कि यार ये मैंने जो रीडिंग पे काम कर रहा हूँ, अच्छा मैं इसको सेम सुनना भी शुरू कर देता हूँ, तो यू विल बी डाइवर्टेड इन दिस वे. सेम वे अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल बी लिसनिंग लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैबुलरी, तो उसको सुनते रहें. अगर आप उसको कहीं पर राइट कर सकते हैं कर लें, लेकिन उसके मीनिंग्स अपने लिसनिंग के मॉड्यूल को ख़त्म होने के बाद देखना शुरू करें, ताकि आपकी ग्रेजुअली जो लिसनिंग की पार है, लिसनिंग की जो आपकी क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए. अच्छा, इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि आपने इंटरनेट का यूज़ ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन नहीं करना. आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप वोकैबुलरी देख रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है कि आप वोकैबुलरी ओपन करने के लिए आपको गूगल पे जाना पड़े, इंटरनेट खोलना पड़े, दैट इज राइट. बट सोशल साइट्स को यूज ना करें. डिफरेंट साइट्स जो आप ब्राउज करते हैं दिन भर में, उसको यूज ना करें. इट इज गुड अगर आप वेबसाइट यूज करना चाहते हैं, कोई सोशल साइट्स, आपने कुछ खाना खाया, दोस्तों के साथ टाइम गुजारा है, आप चाहते हैं कि उसके वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड करें सोशल साइट्स के ऊपर, यू शुड गो फॉर दैट. लेकिन उसको एक ही सिटिंग में और एक ही गो में कर लें. डोंट डू दैट कि आप कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और उसके दरमियान आपको याद आया, आपको मैसेज आया किसी दोस्त का, किसी ने फेसबुक पे आपको मैसेज किया, तो आप फ़ौरन से अपनी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ओपन करें और या व्हाट्सएप ओपन करें और वहाँ पे चीज़ों को शेयर करना शुरू कर दें. अपने टेलीफोन्स को, अपने सोशल साइट्स को म्यूट पे लगा दें, स्लीप मोड में लगा दें, एयरप्लेन मोड पे लगा दें, ताकि पीपल जो हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें. ह्यूमन इंटरवेंशन को अवॉइड करें ड्यूरिंग योर प्रोडक्टिव टाइम. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो and we will be posting in this regard in future as well. Thank you very much for watching the video.